नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के दोहों की व्याख्या करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी ससई में 713 दोहे हैं और एक एक दोहा एक एक रत्न है। हिंदी साहित्य के लिए बिहारी ससई का एक एक दोहा एक एक रत्न के समान है। बिहारी को रीति की जानकारी थी और इसका पूरा उपयोग उन्होंने अपनी बिहारी ससई में किया है। बिहारी ससई में भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी अजस्र बह रही है और वह हिंदी प्रेमियों के लिए रस की खान है। अब हम इसके पहले पद का अर्थ करते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। बिहारी दास का यह दोहा बिहारी ससई के प्रारंभ में ही आता है, मंगलाचरण के रूप में आया है। बिहारी श्री राधा की स्तुति कर रहे हैं, जैसा कि हमारे ये संस्कृति में ही है या कहें साहित्यिक परंपरा ही है कि कोई भी कवि जो है वो अपनी रचना के प्रारंभ में अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। बिहारी जी प्रार्थना करते हुए, स्तुति करते हुए राधा जी से कहते हैं कि हे राधे, मेरी भव बाधा हरो। भव यानि संसार, बाधा यानि परेशानियां, कष्ट। राधा नागरी सोई, नागरी यानि चतुर। हे चतुर राधिके, हे चतुर राधा, आप मेरी इन सांसारिक बाधाओं को, इन सांसारिक कष्टों को, इन सांसारिक मुसीबतों को हरो यानि दूर कर दो, उनको हर लो, उनका हरण कर दो। अब आगे कारण बता रहे हैं राधा की महानता का, उनकी दिव्यता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि जातन की छाई परे, आपकी महिमा अपरंपार है राधिके, क्योंकि आपके शरीर की झाई यानि परछाई पड़ने से श्याम यानि श्री कृष्ण हरित दुति होई। हरित दुति का मतलब होता है, दुति यानि होता है चमक, हरित यानि होता है प्रसन्न, कि जो श्री कृष्ण है वो उनका चेहरा चमक जाता है और वो हरित प्रसन्न हो जाते हैं। अर्थात जब श्री कृष्ण आपको देखते हैं, आपके शरीर की परछाई उन पर पड़ती है, यानी जब आप उनके सामने होती हैं तो श्री कृष्ण भी प्रसन्न मुद्रा में हो जाते हैं। ये इसका एक साधारण अर्थ था। एक बार दोबारा समझ लीजिए, बिहारी जी राधा की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक बाधाओं को, कष्टों को, मुसीबतों को दूर कर दो, आपकी महिमा अपरंपार है, आपके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका जो चेहरा है वो भी चमक उठता है, दिव्यमान हो जाते हैं। ये इसका एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ये है कि ये हम जानते हैं कि जो श्री राधा जी हैं वो तो स्वर्ण वर्ण, उनका वर्ण कैसा है, स्वर्ण, सोने के समान सुनहरा रंग है, और श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं। जब श्याम वर्ण में पीला रंग सुनहरा रंग मिलाते हैं तो वो रंग बनता है हरा। तो वो ये कहते हैं कि हे राधिके, मेरी समस्त बाधाओं को हर लो, जो सांसारिक बाधाएं हैं इन्हें दूर करो, आपके शरीर की परछाई पड़ने से, आपका जो ये सोने के समान शरीर है, स्वर्ण रंग वाला जो शरीर है, इसकी जब परछाई श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण पर पड़ती है तो श्री कृष्ण का श्याम रंग हरित दुति, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, वो हरे रंग का हो जाता है। श्लेष अलंकार का सुंदर उदाहरण यह दोहा है और शुरुआत में राधा जी की स्तुति करना ये स्पष्ट दिखाई देता है कि बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। अब हम अगले पद पर आते हैं।
जुवती जोहने में मिली गई, नेक न होती लखाई, सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। इसमें शुक्ला अभिसारिका नायिका का चित्रण है। शुक्ला अभिसारिका नायिका जो चांदनी रात में नायक से मिलने के लिए जाती है। युवती जोहने में मिली गई, जोहने होता है चांदनी को, जोहने यानी चांदनी, नेक यानी बिल्कुल भी, लखाई यानी दिखाई देना। सखियां आपस में बात कर रही हैं और नायिका के लिए कहती हैं, नायिका के सौंदर्य का चित्रण कर रही हैं वो, और कहती हैं कि नायिका का रंग इतना गोरा है, इतनी गौर वर्ण है नायिका कि युवती जोहने में मिली गई, कि वो जब नायक से मिलने जाती है तो जोहने यानि चांदनी में मिलकर के दिखाई नहीं देती, नेक ने होती लखाई, दिखाई नहीं देती। जब नायक से मिलने जा रही है चांदनी रात में, तो जैसी चांदनी रात है चमकती हुई धवल, वैसी ही नायिका है, तो नायिका चांदनी के अंदर ही मिल जाती है और बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अतिशोक्ति अलंकार है। सौंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। फिर सखी कहती हैं कि हम तो उसे देख ही नहीं पा रही हैं, लेकिन उसके शरीर से जो सौंधे यानी खुशबू आ रही है, वो खुशबू की डोर हमें बस दिखाई दे रही है, और हम उन्हीं के साथ साथ, उस डोर के साथ साथ ही, जो खुशबू की डोर है उसके साथ साथ ही उसके पीछे पीछे चल देते हैं, अली यानी सखी। फिर से आप इसका एक बार अर्थ कर लेते हैं कि सखियां आपस में बात कर रही हैं और अपनी दूसरी सखियों को नायिका के बारे में बता रही हैं कि नायिका इतनी गौर वर्ण की है कि जब वो नायक से मिलने युवती जोने में मिली गई, जब वो नायिका अपने नायक से मिलने के लिए जोहने यानी चांदनी रात में गई, तो वे चांदनी में ही मिल गई, क्योंकि चांदनी का रंग और नायिका का रंग एक ही था, और नेक ने होते लखाई वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। इसीलिए जो उसके साथ सखियां जा रही थी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे जाएं, लेकिन नायिका के शरीर की जो सौंधे यानी खुशबू थी, उस खुशबू की डोर के सहारे ही अली यानी सखियां चली संग जाई, उसके साथ में चली गई। भ्रांतिमान अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार भी है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, और नायिका के सौंदर्य का चित्रण अतिशोक्तिपूर्ण किया गया है। इतना धवल, इतना सफेद, इतना चमकता रंग जो चांदनी का होता है, इसमें अतिशोक्ति है, चमत्कारी वर्णन किया है। हो रीझी लखी रीझी हो, छबीली छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। यह दोहा भी बिहारी रत्नाकर से लिया गया है। इसमें बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का चित्रण किया है। नायिका की जो सखी है वो नायक के पास आती है और नायक से कहती है कि हमारी नायिका अनुपम सौंदर्य की धनी है, बहुत खूबसूरत है वो, बहुत सुंदर है, और वो सब इसलिए कहती हैं ताकि नायक के मन में नायिका को देखने की इच्छा प्रबल हो उठे। नायिका की जो सखी है वो नायक से कहती है कि हो रीझी, जब मैंने नायिका को देखा तो मैं उस पर रीझ गई। ब्रज में हो का अर्थ होता है मैं उसको देखकर रीझ गई, अर्थात उससे प्रेम करने लगी, उसके सौंदर्य को देखकर उस पर आसक्त हो गई। लखी रीझियो छबी ही छबीले लाल,
लखी रिजियो, लखी यानी देखना, और तुम भी अगर नायिका को देखोगे तो रिजियो रीज जाओगे, अर्थात तुम भी उस पर आसक्त हो जाओगे। छवि ही छबीले लाल, छवि यानी छवि को देखकर, किसकी छवि, नायिका की छवि को देखकर, छबीले यानी नायक के लिए आया है लाल, हे छबीले लाल, नायिका की छवि इतनी सुंदर है कि तुम, मैं तो उसको देखकर रीझ ही गई और तुम भी उसको देख करके रीझ जाओगे, उस पर आसक्त हो जाओगे। तो छवि ही यहाँ नायिका की छवि के लिए आया है और छबीले लाल यहाँ नायक के लिए आया है। सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल, और वो इतनी सुंदर है कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर को छू करके सोन जूही के समान हो जाता है। मतलब मालती के जो फूल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं और सोन जूही के जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। तो जो उसने मालती के फूलों की अगर वो माला अपने शरीर पर पहनती है तो मालती के फूल उसके शरीर का स्पर्श करके वो भी अपने सफेद रंग को छोड़ करके स्वर्णिम आभा वाले हो जाते हैं, सोन जूही जैसे हो जाते हैं, अर्थात उनकी, उनका रंग भी कैसा हो जाता है, सोने जैसा, सोन जूही के फूल के समान हो जाता है। एक बार फिर समझ लेते हैं संक्षिप्त में। नायिका की जो सखी है वो नायक के पास जाती है और नायिका की सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करती है और कहती है कि नायिका की छवि ही यानी नायिका की छवि, उसकी सुंदरता, उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसे देखकर हो रीझी, मैं रीझ गई, लखी रीझी हो तुम भी रीझ जाओगे, तुम भी आसक्त हो जाओगे, छबीले लाल, हे छबीले लाल। सोन जूही सी होती दुति मिलत मालती माल, कि उसका सौंदर्य ऐसा है कि वो मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर की दुति यानी चमक, जो स्वर्णिम चमक है, उससे मिलने के बाद सोन जूही के समान हो जाते हैं। मालती के जो पुष्प है या मालती के पुष्पों की जो माला है वो उसके शरीर की स्वर्णिम आभा के स्पर्श से सोन जूही के फूल के समान हो जाते हैं, अर्थात वो सफेद रंग छोड़कर वो भी पीले हो जाते हैं। देखिए छबीले लाल शब्द का प्रयोग इसलिए किया है कि नायक भी कम नहीं है, अगर नायिका इतनी सुंदर है तो जिस नायक के पास में दूती जा रही है वे नायक भी अत्यंत ही सुंदर है। दूसरा अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार है मिलत मालती माल छवि छबीले, इसमें अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। सौंदर्य वर्णन में बिहारी दास अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, बहुत सुंदर चित्रण करते हैं वो। बहके सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न, छिन ओरे छिन ओर से ए छवि छाके न, बहुत सुंदर दोहा है इनका। इस दोहे में सखी नायिका से कहती है कि हे नायिका, अगर तुम अपने नायक से मिलकर आई हो तो तुम्हें इस बात को गोपनीय रखना चाहिए, परंतु तुम्हारे चेहरे को देखकर यह स्पष्ट पता लग जाता है कि तुम नायक से मिलकर के आई हो। तुम्हें अपनी इन प्रेम नत जो बातें हैं उनको छुपा करके रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। तब नायिका कहती है कि हे सखी बहके सब जिए की कहत, मेरे जो नेत्र हैं ये बहक गए हैं और मेरे हृदय की सारी बातें कह देते हैं। ठोर कुठोर लखन है, क्या अनुचित है क्या नहीं, किस स्थान पर ठोर याने कहना है, कुठोर किस स्थान पर नहीं कहना है, ये देखते ही नहीं है। छिन और छिन और से, एक क्षण में कुछ और हो जाते हैं दूसरे क्षण कुछ और हो जाते हैं। ए छवि छाके नैन, क्योंकि मेरे ये जो नेत्र हैं ये छवि यानी नायक के सौंदर्य का
देख करके छाक यानी छक गए हैं, अर्थात मेरे नेत्रों ने जो नायक है उसके सौंदर्य रूपी मदिरा का पान कर लिया और अब ये नशे में हो गए हैं, और इसीलिए अभी इन्हें किसी का भी ध्यान ही नहीं रहता है, कहाँ कहना है कहाँ नहीं कहना है इस ओर इनका ध्यान ही नहीं जाता है। अतिशोक्ति अलंकार है इसमें, छवि छाके अनुप्रास अलंकार, इसमें यह भी बताया है कि जो जिस प्रकार से जो शराबी व्यक्ति होता है वो अपने हृदय की सारी बातें कह देता है और किसी चीज़ का ध्यान नहीं रखता है, उसी प्रकार से जो नायिका है उसके नेत्र भी मदिरा के कारण, यानी जो नायक की छवि रूपी जो मदिरा का पान इसने किया है उसके कारण ऐसे हो गए हैं कि नेत्रों से ही प्रेम टपक रहा है, और ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।